गाइस कैसे हम सब लोग, जैसे कि अपना चैप्टर चल रहा था रिटायरमेंट एंड डेथ, तो उसमें अपन ने क्या करा था कि थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क कंप्लीट किया था, प्रैक्टिकल अपने स्टार्ट कर दिए थे, और आज के इस लेक्चर में जो अपन ले रहे हैं वो ले रहे हैं एडजस्टमेंट ऑफ पार्टनर्स कैपिटल। जैसे कि अपन ने एडमिशन के टाइम पर कैपिटल का एडजस्टमेंट समझा था, जब कोई पार्टनर आता है तो उस समय अपन कैपिटल का एडजस्टमेंट कैसे करते हैं, सेम यहाँ पे करेंगे। यहाँ पर बस केस में क्या फर्क है कि यहाँ पे कोई पार्टनर रिटायर हो रहा है या डेथ हो रहा है, तो उस केस में कैपिटल का एडजस्टमेंट किस तरीके से करते हैं ये अपने को समझना है। तो इसके इलस्ट्रेशन ले रहे हैं, तो ये आपको कैपिटल का जो एडजस्टमेंट है वो आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो जैसे कि अपन का एक इलस्ट्रेशन ले रहे हैं, इसमें मोहित, नीरज और सोहन है, यानी एक तो मोहित है और एक नीरज है और एक सोहन है, ये तीन पार्टनर थे, ठीक है। और इन्होंने लिखा है आर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 2:1:1, ये इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। और गाइस उसके बाद इन्होंने लिखा है कि नीरज रिटायर एंड मोहित एंड सोहन डिसाइडेड that the capital of the new firm will be fixed at ₹1,20,000। सबसे पहले इसमें कौन गया है, नीरज रिटायर हो रहा है, ठीक है, और न्यू फर्म यानी कि बनेगी मोहित और सोहन जो लिख रहे हैं कंटिन्यू रहेंगे, और इन्होंने कहा कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म विल बी फिक्स्ड, मतलब न्यू फर्म की जो कैपिटल है ना, न्यू फर्म जो कैपिटल है वो फिक्स दे रखी है, न्यू फर्म कैपिटल फिक्स जो है वो कितनी रुपीज है, 1,20,000। अब ये कैपिटल रहेगी न्यू फर्म की, कौन कौन की, मोहित और सोहन की, ठीक है। अब यहाँ की यानी कि जो पहला जो एडजस्टमेंट है इसका मतलब ये है कि इसमें जो कैपिटल है वो ऑलरेडी गिवन है, फिक्स दे रखी है कि न्यू फर्म की जो कैपिटल है 1,20,000 लोग मेंटेन करने वाले हैं। उन्होंने कहा द कैपिटल अकाउंट्स ऑफ मोहित एंड सोहन शो अ क्रेडिट बैलेंस 82,000 एंड 41,000, यानी कि मोहित का और सोहन का, ठीक है, एग्जिस्टिंग कैपिटल, यानी कि एग्जिस्टिंग कैपिटल की बात करें तो इनका जो बैलेंस आ रहा है वो इनका आ रहा है 82,000 और 41,000, ये इनका बैलेंस आ रहा है, पहले से चला हुआ, इसमें लिखा हुआ है यहाँ पे आगे था कैपिटल अकाउंट ऑफ मोहित एंड सोहन शो अ क्रेडिट बैलेंस ₹82,000 एंड 41,000 रेस्पेक्टिवली After making all the adjustment, यानी कि सारे के सारे adjustment करने के बाद ये इनका balance आ रहा है 82,000 और 41,000। सारे के सारे adjustment करने का मतलब opening balance लिख दिया, सारे reserve and surplus distribute कर दिए, loss distribute कर दिया, सारा का सारा adjustment कर दिया, revaluation account का सारे के सारे adjustment करने के बाद जो अपना closing balance लिखते थे अपन लोग, टू बैलेंस कैरिट डाउन जो लिखते थे वो अपना ये आ गया 82,000 और 41,000, लेकिन लिखा नहीं है, लेकिन हमने वो बैलेंस निकाल दिया 82,000 और 41,000, ठीक है। उसके अंदर उन्होंने लिखा है कैलकुलेट द एक्चुअल कैश टू बी पेड ऑफ और टू बी बॉट इन द कंटिन्यूइंग पार्टनर एंड द पास द नेसेसरी जनरल एंट्रीज, यानी कि जो भी कैपिटल का एडजस्टमेंट रहेगा या तो कोई पार्टनर कैपिटल का पैसा लेके आएगा या फिर किसी पार्टनर को कैपिटल का पैसा पे किया जाएगा, नहीं उसकी कैपिटल को रिटर्न किया जाएगा, लेकिन वो करेंगे किस तरीके से, देखो इसमें अपन स्टार्ट अगर अपन करें नॉर्मल सी कहानी, इसकी एंट्रीज का मेन काम है, तो वर्किंग मोड में अगर अपन बात करेंगे तो वर्किंग मोड ऐसा बन सकता है स्टार्टिंग कि मोहित और सोहन के एग्जिस्टिंग कैपिटल है 82,000 और 41,000, ठीक है, और न्यू कैपिटल जो इनको मेंटेन करनी है वो 1,20,000 करनी है। पहला क्वेश्चन तो ये रहेगा कि इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या रहेगा नया, तो मोहित और सोहन का जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो रहेगा गाइस वो रहेगा 2:1, क्योंकि क्वेश्चन में जो ऑलरेडी क्या था 2:1:1, नीरज चला गया रिटायर हो गया तो मोहित और सोहन रह गए, तो इनका जो न्यू रेशियो रहेगा वो रहेगा 2:1, पहले इनका था 2/4, 1/4 एंड 1/4, अब इनका हो गया 2/3 और 1/3, यानी 2/3 और 1/3, ठीक है। अब न्यू कैपिटल जो रहेगी 1,20,000 की उसको 2:1 में अपन डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो 2 और 1 हो गए 3, यानी 1,20,000 में 3 का डिवाइड करेंगे तो 40,000 आ जाएगा, तो इसकी तो कैपिटल हो जाएगी 80,000 और इसकी कैपिटल हो जाएगी 40,000। किस तरीके से करा अपन ने, 1,20,000 का 2/3 करा है और फिर 1/3 किया है, ठीक है, ये अपन ने इस तरीके से किया, तो इसका तो आगे कितना 80,000 और इसका आगे 40,000, तो ये लिख दिया 80,000 और 40,000, यानी अब इनको जो कैपिटल मेंटेन करनी है वो 80,000 मेंटेन करनी है और सोहन को जो कैपिटल मेंटेन करनी है वो 40,000 मेंटेन करनी है। इसका मतलब क्या समझ में आता है कि मोहित की पहले जो कैपिटल थी वो 82,000 थी, अब न्यू कैपिटल इसकी 80,000 है, इसका मतलब इसको कितने रुपीज रिटर्न करने पड़ेंगे, 2,000 रिटर्न करेंगे इसको, ठीक है। इसकी पहले कितनी थी 41,000 और अब इसको कितनी मेंटेन करनी है 40,000, इसका मतलब इसको कितने रुपए रिटर्न करने पड़ेंगे, 1,000 रुपीज रिटर्न करने पड़ेंगे। कैपिटल रिटर्न, ठीक है, इसको कितनी करेंगे, 2000 की रिटर्न करेंगे और जो गाइस कितने करेंगे, 1000 की रिटर्न करेंगे, मतलब दोनों को ही रिटर्न करनी है क्योंकि 82,000 और 41,000 की पहले अब इनको मेंटेन करनी है कि 1,20,000 जो फिक्स थी, तो 80,000 40,000 अगर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में अपन ने डिस्ट्रीब्यूट किया तो अपन को जो कैपिटल मेंटेन करनी है वो इतनी करनी है,
तो 82,000 थी, 80,000 मेंटेन करनी है, 2,000 रिटर्न कर दो। 41,000 थी पहले से एक्जिस्टिंग, 40,000 इनको मेंटेन करनी है, 1,000 को रिटर्न करेंगे। तो अब गाइस इसमें जो एंट्री होगी वो जरा समझते हैं। एंट्री होगी यहां पे मोहित कैपिटल अकाउंट डीआर कितने रुपए से गाइस 2,000 रुपीज से। उसके बाद यहां पर लिखेंगे सोहन कैपिटल अकाउंट डीआर कितने रुपए से गाइस 1,000 से। और टू कैश अकाउंट कितने रुपए से गाइस 3,000 से। ये इसकी जनरल एंट्री पोस्ट हुई है, यानी मोहित की कैपिटल 2,000 रिटर्न करनी है, सोहन की कैपिटल 1,000 रिटर्न करनी है, टोटल कैश फॉर्म लौटा देगी वो 3,000 रिटर्न करेगी फॉर्म। तो गाइस ये है इक्वेशन जिसमें कि फिक्स्ड कैपिटल पहले से दी हुई है कि 120,000 को मेंटेन करनी है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कराएगा 2:1। जब तक क्वेश्चन में कोई भी रेशियो केवल नहीं होता तो जो ओल्ड रेशियो रहेगा उसी को अपन लिखेंगे 2:1, लेकिन अब इनका हो जाएगा 2/3 और 1/3। ठीक है, एक्जिस्टिंग कैपिटल थी, न्यू कैपिटल इनको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करी, फिर अपन ने निकाला कि रिटर्न करना है तो कैपिटल रिटर्न करनी है, यानी मोहित को तो 2,000 और सुवन को करेंगे 1,000। तो मोहित कैपिटल अकाउंट डीआर, सुवन कैपिटल अकाउंट डीआर, टू कैश अकाउंट 3,000, ये फॉर्म एंट्री करेगी। तो आई होप कि गाइस ये वाला जो पहला इलेक्ट्रिशियन है कैपिटल एडजस्टमेंट का आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो इसका कैपिटल एडजस्टमेंट का एक सेकंड इलेक्ट्रिशियन अपन ले रहे हैं, जैसे कि इसमें लिखा हुआ है क्वेश्चन में एक आशा, दीपा और लता, ये तीन पार्टनर, एक आशा है, एक दीपा है, एक लता है, ये तीन पार्टनर है। ठीक है, इसमें लिखा है पार्टनर फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 3:2:1, यानी इनका जो रेशियो वो 3:2:1 है। ठीक है, उसके बाद इन्होंने लिखा है कि दीपा रिटायर हो गई है, यानी कि दीपा रिटायर हो गई। ठीक है, अब कौन कौन रह गए, पार्टनर आशा रह गई और एक रह गई लता। उसके बाद इन्होंने यहाँ पे लिखा है आफ्टर मेकिंग ऑल एडजस्टमेंट, जैसे कि अपन ने अभी लास्ट जो लेक्चर उसमें लास्ट इलेक्ट्रिशियन लिया था उसमें जो एडजस्टमेंट की बात थी वो यही है कि आफ्टर मेकिंग ऑल एडजस्टमेंट, रिवैल्यूएशन का कर दिया, गुडविल का कर दिया और भी एक्युमुलेटेड प्रॉफिट एटसेट्रा का कर दिया, उसके बाद जो द कैपिटल अकाउंट्स ऑफ आशा एंड लता शो अ क्रेडिट बैलेंस ऑफ 1,60,000 और 80,000 रेस्पेक्टिवली, यानी कि आशा की जो कैपिटल आ रही है 1,60,000 आ रही है और लता की जो आ रही है वो 80,000 आ रही है, इनकी क्रेडिट बैलेंस आ रहा है कैपिटल का, क्रेडिट बैलेंस यानी सारे एडजस्टमेंट करने के बाद, यानी कि आशा का और लता का 160 और 80,000। उसके बाद इन्होंने लिखा है कि इट वाज डिसाइडेड टू एडजस्ट द कैपिटल ऑफ आशा एंड लता, इन लोगों ने डिसाइड किया आशा ने और लता ने कि वो अपना जो कैपिटल है उसको एडजस्ट करना चाह रहे हैं, तो इसमें लिखा है इट वाज डिसाइडेड टू एडजस्ट द कैपिटल ऑफ आशा एंड लता इन देयर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब गाइस अगर इनकी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की बात करें तो कितना रहेगा आशा और लता का 3:1, यानी इनका न्यू रेशियो जो रहेगा आशा का और लता का वो कितना रहेगा गाइस 3:1 रहेगा इनका। तो अब ये जो कैपिटल है वो 3:1 में एडजस्ट करना चाहते हैं, इन्होंने ऐसा बोला है। यहां पे इसमें आगे लिखा हुआ है कि यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द न्यू कैपिटल ऑफ द पार्टनर्स, यानी कि अपन को न्यू कैपिटल निकालनी पार्टनर्स की, एंड रिकॉर्ड नेसेसरी जनरल एंट्रीज फॉर ब्रिंगिंग इन और विड्रॉल ऑफ द नेसेसरी अमाउंट्स इन्वॉल्व, यानी कि या तो कोई पार्टनर से कैपिटल मंगवाई जाएगी या फिर किसी पार्टनर को कैपिटल को रिटर्न किया जाएगा, यानी कैश मंगवाएंगे या कैश को दिया जाएगा रिटर्न करेंगे, तो वो निकलेगा। पहले अपन को जो कैपिटल निकालनी है 3:1 में, इन्होंने कहा कि न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में कैपिटल को अपन एडजस्ट करेंगे। अब अगर अपन बात करें टोटल, अगर अपन सॉल्यूशन स्टार्ट करें तो सबसे पहले अपन क्या करें टोटल फर्म कैपिटल निकाल रहे हैं। अब टोटल फर्म कैपिटल की बात करूं तो 1,60,000 तो आशा का और 80,000 अरे लता का, तो टोटल हो गया जी गाइस 2,40,000। ठीक है, अब न्यू कैपिटल यानी कि क्या निकाल रहे हैं, न्यू कैपिटल जो मेंटेन करनी है, न्यू कैपिटल सबसे पहले तो आशा और दूसरी है लता क्योंकि दीपा तो गई रिटायर, तो 1,40,000 की जो कैपिटल है। अब यानी कि ये तो क्या बैलेंस निकला था, लेकिन इनको मेंटेन कौन से रेशियो करना है 3:1 में, न्यू रेशियो में इन्होंने आपस में बात करी, तो 3/4 और 2,40,000 का 1/4, ठीक है, तो ये कितना गया 4 से चला जाएगा 6 बार, तो ये 6 यानी कि 1,80,000 को आ जाएगा इसकी कैपिटल और इसकी आ जाएगी 60,000 कैपिटल, यानी कि ये इनको न्यू कैपिटल मेंटेन करनी है, आशा को मेंटेन करनी है 1,80,000 की और लता को मेंटेन करनी है 60,000 की कैपिटल। ठीक है, अब अपन को समझना है कि आशा को अगर 1,80,000 की कैपिटल अगर मेंटेन करनी है तो इसका पहले से बैलेंस कितना था केवल 1,60,000, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि 20,000 रुपीज मंगवाए जाएंगे, किससे, आशा से मंगवाए जाएंगे, कितने रुपीज 20,000, क्योंकि इसका जो क्रेडिट बैलेंस था 160 था, मेंटेन करना है 180 क्योंकि न्यू प्रॉफिट शेयरिंग 3:1 में ये 2,40,000 को अपन ने डिस्ट्रीब्यूट किया है, तो 180 यानी 1,80,000 रुपए मेंटेन करना है आशा को, और आशा का पहले जो क्रेडिट बैलेंस है वो 60,000 है, तो 20,000
प्रोजेक्ट की कैपिटल जो है वो आसान से मंगाई जाएगी। एंट्री क्या पोस्ट होगी, जब फर्म के पास पैसा आएगा तो एंट्री कैश अकाउंट डी आर टू आशास कैपिटल अकाउंट, कितने रुपए से गाइस 20,000 से। ये कैपिटल इससे अपन ने मंगवा ली है, जनरल एंट्री के लिए बोला था तो अपन ने 20,000 की कैपिटल मंगवा ली गाइस इससे आशा से। अब बात करते हैं लता की, लता का पहले से जो क्रेडिट बैलेंस मेंटेन जो हो रहा था वो कितना था 80,000, लेकिन केवल अब उसको कितनी कैपिटल मेंटेन करनी है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में 60,000। इसका मतलब क्या है कि 80,000 पहले से इनका बैलेंस चला रहा था, मेंटेन करनी है केवल इनको 60,000। इसका मतलब इनको 20,000 की कैपिटल क्या करेंगे अपन, रिटर्न करेंगे। तो एंट्री क्या पूछ रहे हैं, देखिए लता कैपिटल अकाउंट डी आर टू कैश अकाउंट, यानी फॉर्म इनको 20,000 की कैपिटल रिटर्न कर देगी लता को, और आशा से 20,000 की कैपिटल हमने मंगवा ली है फॉर्म ने, यानी कैश अकाउंट डी आर टू आशा कैपिटल, और इसको रिटर्न कर दिया लता कैपिटल अकाउंट डी आर टू कैश अकाउंट। तो गाइस ये था, यानी इनका क्रेडिट बैलेंस हो रहा था, और इन्होंने बोला कि इन्होंने ये बात तय करी इन्होंने आपस में कि ये न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में कैपिटल का एडजस्टमेंट करना चाहते हैं, तो इनका बैलेंस अपन ऐड करके 240 को इनके 3 रेशियो बने, यानी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया। अब इससे अपन ने कंपैरिजन कराया, 180 मेंटेन करनी ऑलरेडी 160 थी, तो 20,000 मंगवा ली फॉर्म ने कैश अकाउंट या आशा कैपिटल, लता की बैलेंस मेंटेन थी 80,000 और इनको 60,000 मेंटेन करनी है तो 20,000 कम हो गई, तो इस कैपिटल को लौटा देंगे, इसको रिटर्न कर दिएगा 20,000, तो लता कैपिटल अकाउंट या टू कैश अकाउंट। आई होप कि गाइस ये वाला भी एडजस्टमेंट जो है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो गाइस अपन के नेक्स्ट लेक्चर ले रहे हैं, ये भी कैपिटल एडजस्टमेंट का है, इसमें अलग तरीके से ट्रीटमेंट है, तो जो कि आपको अच्छे से समझ में आएगा इस लेक्चर के अंदर। यानी गाइस इसमें भी तीन पार्टनर है, एक तो है ललित, एक है पंकज और एक है राहुल। ललित है, एक है पंकज और एक है राहुल, ठीक है, ये तीन पार्टनर है, और इनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे रखा है वो दे रखा है 4:3:3, ठीक है। उसके अंदर उन्होंने लिखा है आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट ऑन ललित्स रिटायरमेंट, यानी कि सारे के सारे एडजस्टमेंट हो गए और ललित इसमें रिटायर हो गया जी, कौन हो गया जी गाइस, ललित इसमें रिटायर हो गया है, ठीक है। अब इन्होंने आगे बोला है कि सारे के सारे इन्होंने एडजस्टमेंट कर लिया, जनरल हिसाब कर दिया, गुडविल कर दिया, रिवॉल्यूशन कर दिया, और भी कोई एडजस्टमेंट होगा तो वो भी कर दिया है। द बैलेंस इन देयर कैपिटल अकाउंट इज ₹70,000, ₹60,000, ₹50,000 रेस्पेक्टिवली। तो ये इनकी कैपिटल के बैलेंस आ गए 70,000, 60,000, 50,000 रेस्पेक्टिवली, ललित पंकज एंड राहुल। उसके बाद उन्होंने कहा आगे लिखा है इट वाज डिसाइड किया गया दैट द अमाउंट पेबल टू ललित, यानी ललित को जो अमाउंट पे करनी है ₹70,000 will be bought by Pankaj and Rahul, मतलब इसके 70,000 रुपए पेमेंट करेंगे, और इसको किस किसने लिया, पंकज ने और राहुल ने बॉट कर लिया, मतलब खरीद लिया इसका हिस्सा, ठीक है। उसके बाद उन्होंने लिखा हुआ यहाँ पे कि राहुल इन सच वे एज देयर मेक देयर कैपिटल प्रोपोर्शनेट टू देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, यानी इनको कैपिटल को अपना प्रोपोर्शनेट करना है, यानी कैपिटल को इंक्रीज करनी है, और वो भी कौन से रेशियो में, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। तो गाइस अभी देखते हैं आगे क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, इन्होंने आगे लिखा कि कैलकुलेट द अमाउंट टू बी ब्रॉट बाय पंकज एंड राहुल एंड रिकॉर्ड नेसेसरी जनरल एंट्री फॉर द सेम, ऑल्सो रिकॉर्ड नेसेसरी एंट्री पेमेंट टू ललित, यानी कि इनसे पैसा मंगवाएंगे पंकज और राहुल से, एक तो उसकी एंट्री पोस्ट करनी है और ललित को जो पेमेंट करना है अपन को उसकी एंट्री पोस्ट करनी है। जिसने कहा आफ्टर ललित रिटायरमेंट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पंकज एंड राहुल, जिसमें लिखा हुआ ratio 1:1, यानी इनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो रहेगा वो 1:1 रहेगा। इन्होंने लिखा है आफ्टर ललित रिटायरमेंट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन पंकज एंड राहुल 1:1, यानी 3:3 रह गया इनका, ठीक है। तो ये किस कौन से रेशियो में हो गया 1:1। तो आई होप कि ये बात आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अब अपन इसको करते हैं किस तरीके से ये एडजस्टमेंट होगा वो देखिए आप। अपन यहाँ पे लिख लेते हैं जैसे टोटल फर्म कैपिटल, ठीक है, टोटल फर्म कैपिटल एडजस्टमेंट करने के बाद, यानी कि 70,000 प्लस 60,000 प्लस 50,000, अगर अपन इसको ऐड करेंगे तो कितना आएगा, ये 70,000 प्लस 60,000 करेंगे 130 और 50 करेंगे तो 180 आ गया, ठीक है, ये 180 की कैपिटल हो गई। अब इसको पंकज एंड राहुल इसमें डिस्ट्रीब्यूट किया जाए कौन से रेशियो 1:1 में, तो गाइस 180 को 1:1 में करेंगे तो पंकज की जो कैपिटल आएगी, न्यू कैपिटल जो आएगी वो आएगी 90,000 की, और राहुल की भी आएगी कितनी 90,000 की, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि एग्जिस्टिंग कैपिटल जो आ रही थी पहले से वो पंकज की कितनी आ रही थी गाइस 60,000, 60,000, और इसकी राहुल की कितनी आ रही थी 50,000 आ रही थी। इसका मतलब हुआ क्या कि पंकज से तो कितने रुपए मंगवाए 30,000, ठीक है,
और 90,000 में से इसमें 50,000 की पहले से मेंटेन हो रही थी, तो 40,000 मंगवाने जी राहुल से, यानी कि ये कैपिटल यानी कि जो कैश है वो लेके आएंगे, ठीक है। 30,000 कौन लेके आएगा, पंकज, और राहुल कितना लेके आएगा, 40,000। क्यों? क्योंकि इनको न्यू फर्म की जो कैपिटल मेंटेन करनी है वो 90,000 किस तरीके से आया, इन तीनों का बैलेंस एड कर दिया, और एक्जिस्टिंग कैपिटल इनकी 60,000 और 50,000 थी, तो यानी पंकज से 30,000 मंगवाए जाएंगे और राहुल से 40,000 मंगवाए जाएंगे, ठीक है। तो इसकी एक बार अपन एंट्री देखते हैं किस तरीके से इसकी एंट्री होगी। एंट्री अगर अपन मंगवाएंगे तो यानी कैश अकाउंट डीआर कितने रुपए, 30,000 और 40,000 टोटल अपन ऐड करें तो 70,000, और टू पंकज कैपिटल अकाउंट, ठीक है, टू पंकज कैपिटल अकाउंट और टू राहुल कैपिटल अकाउंट, ठीक है। ये लेके आएगा 30,000 रुपए और ये लाएगा गाइस कितने रुपए, 40,000 रुपीज, ये इसकी एंट्री हो गई। यानी कि ये अपन ने एंट्री पोस्ट करी है, यानी कैश अकाउंट डीआर टू पंकज कैपिटल 30,000, ठीक है, और टू राहुल कैपिटल 40,000। क्यों करी है, क्योंकि यहाँ पे अपन को देख रहे हैं कि पंकज और राहुल को मेंटेन जो करनी है वो कैपिटल 90,000 मेंटेन करनी है। 60,000 रुपए कैपिटल इनकी पहले से थी और इसकी 50,000 थी, तो इससे 40,000 मंगवाए जाएंगे और इसे 30,000 मंगवाए जाएंगे, और ये टोटल 70,000 रुपए का जो पेमेंट रहेगा वो पेमेंट कौन करे, यानी ललित को करना है, कौन कौन करेगा, पंकज और राहुल करेगा। और देख लीजिए आप 30,000 40,000 टोटल मिला कितना हो रहा है, 70,000, और 70,000 ही अपन को किसको पे करने थे, ललित को। तो एंट्री पोस्ट हो जाएगी यहां पे, ललित कैपिटल अकाउंट डीआर टू कैश अकाउंट कितने रुपए गए, 70,000 से ललित का पेमेंट हो गया। ये इसकी एंट्री होगी पेमेंट करने की, यानी ललित कैपिटल अकाउंट डीआर टू कैश अकाउंट, ठीक है। तो ये अपन ने निकालने की कोशिश करी कि अपन के न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में टोटल फर्म की कैपिटल 180 मेंटेन करेंगे 90, इनकी एक्जिस्टिंग कैपिटल 60 और 50 थी, तो इससे 40,000 मंगवाएंगे, इससे 30,000 मंगवाने के अपन एंट्री पोस्ट कर ली, फॉर्म मंगवाएगी, कैश अकाउंट डीआर फर्म के पास पैसा आएगा, टू पंकज कैपिटल, पंकज कैपिटल इंक्रीज होगी और राहुल की कैपिटल भी इंक्रीज होगी, ठीक है। उसके ललित को पेमेंट करने की एंट्री क्वेश्चन पूछी गई थी, तो अपन ने एंट्री पोस्ट कर दी ललित कैपिटल अकाउंट डीआर टू कैश अकाउंट, 70,000 से ललित को पेमेंट करना था। तो आई होप गाइस ये बात आपको अच्छे से समझ में आई होगी। तो ये कैपिटल एडजस्टमेंट के इलस्ट्रेशन थे जिसमें कि अपने सारे के सारे एडजस्टमेंट कवर करने की कोशिश करी और जो कि मैंने आपको अच्छे से समझाया। आई होप गाइस आपको अच्छे से सारे के सारे एडजस्टमेंट क्लियर हुए होंगे। तो गाइस अपन नेक्स्ट लेक्चर में इसके और भी क्वेश्चंस लेने वाले हैं, तब तक आप इसको एक बार पढ़ें, रीड करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें, ठीक है। तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गाइस गुड बाय एंड थैंक यू।